नमस्कार, मैं अंशुमान और आप देख रहे हैं दलीली न्यूज। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए श्रीमती नम्रता पाठक जी हैं, जो एक समाज सेवी भी हैं और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी की धर्मपत्नी जी भी हैं। हम उनसे बात करेंगे, वो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। आज वो दलीली विलास पैलेस होटल में एक कवि सम्मेलन में आई हुई हैं बतौर मुख्य अतिथि। हम उनसे बात करेंगे। मैम, कैसा रहा कवि सम्मेलन? देखिए, सबसे पहले तो हम श्रीमान सेठी जी को, दमन सेठी जी को बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने जो ये कवि सम्मेलन का भव्य कार्यक्रम किया, जैसा कि अभी हमारे कवि कह रहे थे कि साहित्य जो है कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है, और उसको जीवित रखने का काम हमारे दमन सेठी भाई ने किया, और इनको मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ। इसी तरीके से इन्होंने खुशियाँ बांटने का काम किया है, और भव्य रूप से सभी लोग आए हैं और सब आनंद से प्रफुल्लित। आप महिलाओं के लिए बहुत ही क्षेत्र में उतरकर, जमीन पर उतरकर काम कर रही हैं, और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बराबर आपका योगदान हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या कहीं ना कहीं आपको देख ही लेते हैं, लखनऊ में या अन्य जगहों पर भी, कई बार उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर महिलाएं आपसे जुड़ती हैं और आप उनकी समस्या का निराकरण करती हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है, और कैसे आप ये कर पाती हैं इतने बड़े उस पर क्षेत्र पर? देखिए, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 30% आरक्षण महिलाओं को दे करके ये साबित कर दिया कि महिलाओं को भी अपने सम्मान के लिए, पहले जैसे आपने देखा तो महिलाओं को अपने सम्मान के लिए, अपने कार्यों को आगे बढ़ने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता था, पर ये बिल पास करके उन्होंने महिलाओं को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए मैं मोदी जी को और अपनी बहनों की तरफ से बहुत बधाई देना चाहती हूँ। रही बात महिला सशक्तिकरण की, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है, पाठक जी हमेशा प्रशासन के कार्यों में बिजी रहते हैं, तो उनके क्षेत्र को और लखनऊ में जहाँ भी कोई हमको बुला लेता है, हम जाने का काम करते हैं, और महिलाओं को यही कहते हैं कि आप कोई भी छोटा बड़ा काम भी, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, आप उसको अपने मन से और घर से निकल करके आप उसको करिए, आप आगे बढ़िए, जिससे कि आपको भी एक तरह समाज में सम्मान भी पाने का और समाज में जीने का एक तरीका मिलेगा। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सी घरेलू महिलाएं हैं जो कि किसी भी कार्यक्रम में बुलाने में घर से नहीं निकलती हैं, उनको लगता है कि नहीं हम जाएंगे नहीं, हमको बड़ा संकोच लगता है, पर हमारा उन लोगों से यही निवेदन रहता है कि आप लोग तो भी घर से निकल के ऐसे कार्य करिए कि घर वाले भी आपका सम्मान करें। अभी जैसा कि कुछ विपक्षी दल हैं, उनका कहना है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का दिखावा है महिलाओं के साथ, बहुत उनका ये मन से कुछ नहीं चाहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो या ये बिल जो पास हुआ है, इस पर क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि विरोधी दल कहता है कि ये सब दिखावा है, तो आप उनको ये कहने दीजिए कि दिखावा है, पर हम लोग कहने में भरोसा नहीं करते हैं, करने में करते हैं। जब समाज में जब महिलाएं अच्छे से उभर करके हर पद पर आसीन दिखेंगी ना, तब पता चलेगा विरोधियों को कि कहने में और करने में क्या अंतर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन आकाश के साथ अंशुमान, लीली न्यूज़, लखनऊ।